आ गए हमारे सियासतदान सैलाब मुतासरीन में इमदाद बांटने। अब आप सब लोग नारे लगाएंगे, जबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी। कुछ लोग राशन के लिए आपस में लड़ेंगे और ये लोग घर जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे अगले सैलाब आने तक। लेकिन तुम्हारी ये बेहसी बेबसी एक दिन इस सिंध की तबाही का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। पहले राजा महाराजाओं की, फिर अंग्रेजों की, और अब चंद इन भोतार और वडेरों की। कौमियत के नाम पर ये तुम लोगों को बहकाते हैं और तुम आपस में लड़ते हो। लड़ो, मरो, काटो काटो एक दूसरे को। ये लोग ऊपर से ऊपर और अमीर से अमीर तक बनते जाते हैं क्योंकि उनको अपने मुफाद अजीज है, अपने मुफाद। जब आप लोगों के घर डूब रहे थे, गांव डूब रहे थे, शहर डूब रहे थे, तो कहां थे ये जागीरदार वडेरे, ये एमएनए एमपीए, ये चौधरी? इलेक्शन वाले दिन 400-400 गाड़ियां आपके घर की दहलीज पर खड़ी होती हैं, और जब रात को 1 बजे अपने हाथों से दरिया को कट लगाते हैं और ये ऐलान करवाते हैं कि शहर खाली करो, उस वक्त इनके पास वसाइल नहीं। आप और हम इन सियासतदानों के लिए महज कीड़े मकोड़े हैं, जमीन पर रेंगते कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरते रहो। आए और गए, खेल खत्म, पैसे हजम। क्यों लड़े मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ये हमारे साफी दोस्त लिख लिख कर थक गए हैं, कलम की जोर पर इनकलाब लाना चाहते हैं। कौन समझाए इनकी बात को, किसे समझाए? मैं समझ गया, आज कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन तुम नहीं समझना, सुकून करना, चुप रहना, और याद रखना तुम्हारी ये खामोशी कल आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये सियासतदान चोर लुटेरे, इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। इन लोगों को वोट देते वक्त तुम्हारा जमीर कहाँ गया था, बाहर में? ये पिद्दी जितने हमारे सियासतदान, इन सबको आपने और हमने वोट देकर आला ईवानों तक पहुंचाया है ताकि हमारे मसाइल आगे पहुंचाएं। लेकिन ये एक बात भूल रहे हैं कि जो लोग इनको आला ईवानों तक पहुंचा सकते हैं, वही लोग इनको जमीन पर भी पटक सकते हैं। जो अपने मोहल्ले की एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, वो मिनिस्टर बन जाते हैं। वो मिनिस्टर बन सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। तुम लोगों को आपस में लड़वाना और खरीदना बिल्कुल आसान है। मैं सिंधी, मैं बलोच, मैं पठान, मैं पंजाबी, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को कोई नहीं तोड़ सकता। याद है ना, मैं क्यों समझा रहा हूं तुम्हें? पागल हूं मैं।